शाम के नाश्ते के लिए या सुबह के नाश्ते के लिए आप भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं ना मेरी तरह, तो इस खस्ता कचौड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज मैंने शाम के नाश्ते में खस्ता कचौड़ी बनाई है और बड़ी ही खस्ता खस्ता बनाई है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच से मैदा। अच्छा, आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, मैं मना। नमक स्वाद के अनुसार थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा और थोड़ा सा आधा चम्मच के अकॉर्डिंग छोटे चम्मच से अजवाइन, हाथों से ना क्रश करके इसे डाल दीजिएगा। अब 1 से 1.5 बड़े चम्मच से मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसे ना हमें गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गूंदना है, जैसे कि हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, सेम वैसी ही आटा हमें इसे गूंदना है। ना कि ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम, जो आप समझ गए ना, सेम वैसी आटा इसे हमें गूंदना है। अब गूंद गूंद के मैं तो थोड़ा सा ही बना रही थी इसलिए जल्दी बन गया। और गूंद करके ना हम इसे साइड में रख लेंगे ताकि ये मतलब ठहर जाए, जिसे बोलते हैं ना कि आटा ठहर जाए, वो हो जाए, ठीक है। अब आटा हमारा बिल्कुल हो गया तैयार। अब इसके अंदर भरने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ना बीफ का कीमा बनाया था, बीफ का गोश्त। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 बड़े चम्मच से ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, और आधा चम्मच ज़ीरा, 1 से 2 छोटे छोटे तेज़पत्ते, 3 लौंग, 2 से 3 हरी मिर्चें, इन्हें काट के इन्हें इसमें डाल दिया मैंने। अब इसे 5 मिनट के लिए ना सॉटे करना है। अच्छा, ऑयल इसलिए ज़्यादा नहीं लेना है ना, क्योंकि जब हम कीमे को भरेंगे ना तो वो अंदर से ऑयल छूटना नहीं चाहिए, इस वजह से, ठीक है। जब ये 5 मिनट हो जाएंगे, सॉटे हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह तो कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा डालना नहीं था, इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया और काली मिर्च, जीरे का भुना हुआ पाउडर, बस, और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिंपल तरीके से बनाना था, चाय के साथ खाने के लिए सिंपल हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि जब इसे ये जब पके ना तो नीचे से चिपके ना, ठीक है। तो थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। पानी डालने के बाद इसे ढक करके मैंने 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब 10-15 मिनट हो गए तब मैंने इसे देखा तो ये काफ़ी अच्छे से गल चुके थे, पानी भी सूख चुका था। और थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद ना इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ गया और काफ़ी टेस्टी लग रहा था, ऐसे रोटी के साथ खाने में भी ना बड़ा मज़ा आएगा। अब ये तो हमारा बनकर हो गया है तैयार, तो इसे हम निकाल करके ना, ये देखिए लग रहा है ना इतना प्यारा, रख देते हैं। और ठंडा होने के बाद अब मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ पूड़ियाँ, मतलब खस्ता कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए छोटी सी लोई बनानी है, बिल्कुल छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, और हाथों से प्रेस करना है। आप चाहे ना तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप समोसे का आकार देना हो या फिर गुजिया का, आप जैसा मर्जी चाहे ना, आपकी अपनी मर्जी है यार, कैसा भी दे सकते हैं। मेरे को तो जल्दी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा ताम झाम बढ़ाने से अच्छा है कि एक पूरी का शेप बनाओ और बस हो गया। तो यहाँ पर मैंने पूरी के अकॉर्डिंग ना इतना ही बड़ा जितना आप लोग देख रहे हैं, छोटा सा मैंने यहाँ पर पूरी के हिसाब से बेल लिया है गोल गोल, और हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि और बड़ा हो जाए, फैल जाए और पतला हो जाए, बस, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। और फिर उसके बाद ये जो कीमा है ना हमारा, इसके अंदर भर दीजिए। तो मैं तो यहाँ पे ज़्यादा भर रही हूँ, क्योंकि यार मेरा तो एक मसला है कि पूरी, चाहे आलू के परांठे हो या फिर किसी चीज़ का हम कचौड़ी वगैरह बना रहे हो, तो अंदर जो भी चीज़ हम भरते हैं ना वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि मुँह में जाने के बाद पता तो चले कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं। तो इसलिए ना मुझे ना ज़्यादा भर भर के ना मज़ा आता है खाने में। तो इसे अच्छे से एक पोटली बना लीजिए और हर तरफ से ना अच्छे से बंद कर दीजिए ताकि जब हम इसे तलेंगे ना तो ये फूटे ना, मतलब कि निकले ना, समझ गए ना यार, कितना समझाना पड़ रहा है मुझे। तो ऐसे करना है। फिर उसके बाद इसे पोटली बना के इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करना है, ताकि ये जो है ना हमारा, हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो एक शेप आ जाए, गोल गोल गुजिया तो नहीं यार, खस्ता कचौड़ी, क्या क्या बोल रही हूँ, खस्ता कचौड़ी बन जाए हमारी। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से कर लीजिए। आप इसे ना गुजिया के शेप भी दे सकते हैं,
समोसे की तरह भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई नहीं कि मैंने पूड़ी बनाने से, ये खस्ता कचौड़ी बनाने से पहले ना अपने हाथों पे तेल लगा लिया था ताकि चिपके ना, ठीक है? तो तेल लगा लीजिएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरी पूड़ी भी बनाई, तीसरी भी बनाई, चौथी भी बनाई, और सारी मैंने फटाफट से, बहुत ईजी लगा मुझे इस तरीके से बनाना। तो आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं था क्योंकि मैंने एकदम से, मेरे दिमाग में आया और एकदम से मैंने बनाने लग गई। तो यहाँ पे ना एक काम और कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और इस रेसिपी को ट्राई करके ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दूसरी वाली भी इसी तरीके से भर लिया है। ये बहुत इजी था, कोई वो नहीं था, लेकिन मेरे को फिर भी ये हो रहा था कि मैं कर तो रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं इसे बना रही थी, कहीं ये ख़राब ना बन जाए यार, मेरा नाश्ता ख़राब ना हो जाए, मेरी शाम ख़राब ना हो जाए या फिर किसी और की भी। लेकिन फिर मैंने जब बना लिया ना और इसे देखने के बाद, देख रहे कितना खूबसूरत लग रहा था ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल और ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया और मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लग रहा था ये ज़रूर फट जाएगा या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो मैंने पहले एक डाल करके ट्राई किया कि ये कैसा बनता है, इसकी शेप कैसी आती है, ये दिखने में कैसा लगता है। तो मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना इसे फ्राई किया हल्के हल्के हाथों से, दोनों तरफ से मैं 5-5 मिनट में पलटती जा रही थी ताकि ये जले नहीं और इसका जो कलर मुझे चाहिए था ना वो आ जाए और ये फटे भी नहीं और अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाए। और जब ये धीरे 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 जब ये बन रहा था ना, फूल रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और फिर इसे देखने के बाद जो मेरी खुशी थी ना वो और बढ़ गई और मेरे अंदर आ गया और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि अब तो अच्छा ही बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पे फिर दो दो करके यहाँ पे फ्राई करने लग गई और सच्ची बताऊँ ना ये बहुत ही मज़े का बना था। फिर चाय बनाई और इसके साथ जब खाया ना, ओए होए इतना अच्छा लग रहा था ना, नमकीन नमकीन सा और खस्ता खस्ता सा, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, काफ़ी अच्छा शाम का नाश्ता सबका तैयार हो गया था। तो ये बहुत इजी भी था बनाना, इसलिए झंझट नहीं हुई इसे बनाने में। तो ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार वाली हमारी कचौड़ी, ऐसा लग रहा है ना कि हम बाज़ार से लेकर आए, ये वैसी बनी थी, सॉफ्ट भी, खस्ता भी और बड़ी बहुत ही मज़ेदार। ही देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए क्या, ओ वाओ, लुक एट दिस मैन, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।